सीबीआई ने अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नोटिस भेजा, लेकिन अखिलेश यादव ने दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव की ओर से नोटिस का जवाब भेज दिया गया है। साथ ही अखिलेश ने कह दिया है कि लखनऊ में पूछताछ हो तो वो सहयोग करने के लिए तैयार है। अवैध खनन घोटाले की आंच से घिरे अखिलेश यादव ने सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने सीबीआई की ओर से आए नोटिस का जवाब भेज दिया है। साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की पूछताछ के लिए वो दिल्ली नहीं जाएंगे। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है, याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। वही अखिलेश ने अवैध खनन घोटाले में पूछताछ को लेकर सहयोग की बात कही, बशर्ते पूछताछ लखनऊ में हो। वहीं सुभाषपा ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। ओपी राजभर ने अखिलेश से उनकी संपत्ति का ब्यौरा बताने को कह दिया। अगर इनका बैकग्राउंड देखिए, जब शुरू किए थे राजनीति, आज कहां से इतना माल आ गया है? क्यों ईडी सीबीआई दौड़ा रही है? ईडी सीबीआई आपको क्यों नहीं दौड़ाती है? आपके यहाँ ईडी सीबीआई को आना चाहिए ना। फिलहाल अखिलेश यादव के सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद एजेंसी का क्या रुख रहता है, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, सीबीआई की टीम किसी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए क्या है, कानून क्या काम कर रहा है वो कानून ही बता दें, सीबीआई कहीं कोई बता कि आप देख ही रहे हैं, अपने जगह है, जो दोषी रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई अपना होता रहता है, हमेशा हुआ है, अब कांग्रेस सरकार से यहां तक देखते रहते हैं। तो हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर सीबीआई ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजकर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल साल 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध रूप से पट्टों का रिन्यूअल भी किया गया था। कई आरोपियों को अवैध खनन की इजाजत दे दी गई थी। खनिज की चोरी और धन उगाही की इजाजत के आरोप लगे थे। जनवरी 2019 में सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। डीएम समेत कई लोक सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब 2013 में 13 पट्टों का आवंटन किया गया, तब बताया जाता कि यह विभाग भी अखिलेश यादव के पास ही था, इसलिए वो जांच के दायरे में। हालांकि अभी जो उन्हें समन भेजा गया था, बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसमें वो बतौर गवाह उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था।